तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं पेटैक्स यहाँ पर एज ब्लाज अमेरिका एच एच ए जर टट्टी इधर जर टट्टी। ओके आपको तो पता ही होगा चैट जीपीटी क्या होता है। ठीक है निकाल दे फिर तो चैट जीपीटी। और क्या यहाँ से दिखाता हूँ तो मैंने देखा हूँ यहाँ पर। अरे ये लॉग इन माँ कसम ये वाला जो पेज आता है ना इतना गुस्सा आता है मैं क्या ही बताऊँ। लिटर ये पता नहीं क्या नया लुक बनाने वाले हैं यार। पहले बार्ड के ऊपर काम कर लो लोगे बाद में। हमको फ्रंटेड नहीं चाहिए हमको बैकेंड चाहिए राइट। चलो कोई नहीं फ्रंटेड भी चाहिए होता है बहुत से लोगों को। कोई नहीं यहाँ पर अगर आप कोई भी चैट जीपीटी को मान लो जैसे कि मैंने तो कर रखा है ये वाला। ठीक है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बाद में मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ठीक है पहले क्या करना है यहाँ पर देखो साइड बार ये अगर अगर ये क्लोज हो क्या होगा तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर देना है। फिर तो यहाँ पर अपना अकाउंट जो भी बनाए होंगे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हो सेटिंग्स पे नहीं जाना है। यहाँ पर कस्टमर चैट जीपीटी यहाँ पर क्लिक करना है तो फटाक से आ जाएगा कस्टम इंस्ट्रक्शंस का जो कमांड है व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रेस्पॉन्सेज। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी रेस्पॉन्ड। ये 1500 वर्ड्स के अंदर अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ये जो है ना पूरा टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ जी क्योंकि बाद में देने में आएगा काम। डिलीट कर लेता हूँ। सेम इस तरह का इसका भी करता हूँ कंट्रोल ए और यहाँ पर कर लेता हूँ जी डिलीट। ओके तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया प्रोडक्ट्स है ना और यहाँ पर जो करते हैं सेव। ठीक है ताकि डिलीट कर ले जाए। ठीक है मैं फिर से दिखाऊँगा तो कुछ नए ब्लैंक है राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कुछ क्विज बनाने। क्या बनाने क्विज बनाने। तो हम पूछेंगे क्रिएट MCQ ऑन UPSC। ठीक है ओके क्रिएट सम MCQ क्विज फॉर फॉर UPSC फॉर मी। क्रिएट क्विज फॉर UPSC फॉर मी। क्रिएट क्विज फॉर UPSC फॉर मी। और ये चैट जीपीटी तो आप जानते हो गए रियल टाइम नहीं और रियल टाइम आपको पाना है तो एक्सटेंशन पे मिल जाएगा। पर ऐड ऑन गूगल करके आता है एक एक्सटेंशन चैट जीपीटी को गूगल से लिंक करके वो रियल टाइम बना देगा चैट जीपीटी को। ऐसा वो पावरफुल एक्सटेंशन है। पर मैं और किसी मीडिया में देता हूँ बेटा देखना। ये तो कुछ यहाँ पर अगर मैं सेंड मैसेज मारूंगा तो देखो एक ऊपर एक कुछ देते जा रहा है। आपको पसंद नहीं है ना। यहाँ एक छोटा सा नन्हू सा चैट बॉक्स में आपके इतने सारे आंसर टट्टी लिखोगे बताओ। ये वो बेटा पास प्रेजेंट ये वो कद्दू लसन। और अगर मैं जेई पूछ जाता है तब तो पूरा सोल्यूशन लिखना पड़ता है यहाँ पर। देखो देखो मैंने ऐसे किया ऐसे ऐसे स्टेप्स किया। एक है एक है टट्टी लिखेंगे ये कितना दिया है देखो 10 10 10 2 दिए हैं भाई। कभी तो 20 20 तो दे देता है। तो ये सब नहीं पाना तो यहाँ पर आना। मैं देखा बताया था पहले ही ये डिव सिलेक्टर बोलते हैं इसको। डिव सिलेक्टर है ना DIV सिलेक्टर। यहाँ पर जाकर के वो तो HTML में होता है वैसे। यहाँ पे जा करके यहाँ पे जो अकाउंट देख रहे हैं ना यहाँ पर क्लिक करके कस्टमर चैट जीपीटी यहाँ पर आप अपने जो एक्सपीरियंस को सॉरी एक्सपीरियंस बोलो जो भी रिस्पॉन्स आप पाओगे उसको टेलर कर सकते हो यानी कि उस टाइप का ढंग का बना सकते हो। मान लो मैं बताऊँगा मैं हाँ मैं तो किया था ना मैं पेस्ट हाँ जो भी देख रहे होंगे या फिर देख चुके होंगे तो आप लीव कर सकते हो वीडियो। लेकिन जो देखे नहीं होंगे देखो अभी पेस्ट के क्या लिखा है मैंने देखो मेरे हिसाब से ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है आई एम ए क्लास 12 स्टूडेंट। तो फिर यहाँ पर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से क्लास के हो या फिर एज भी दे सकते हो क्योंकि चैट जीपीटी भी उसी हिसाब से दोगे। आपको एक प्रॉम्प्ट पता होगा कि भाई 5 ईयर अंडरस्टैंड मेक मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट 5 ईयर किड। तो 5 ईयर किड की तरह वो रिस्पॉन्स दे देता है। या फिर 12th स्टैंडर्ड बच्चों की तरह बोलोगे तो फिर ज़्यादा मतलब एडवांस देगा तुमको रिस्पॉन्स राइट। और 5th स्टैंडर्ड बोलोगे तो बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करके तो आपको समझा देगा।
मैं देखा क्लास 12 क्योंकि मैं काफी एडवांस हूँ, ये सब इस बात है। मैं पेपर फिर जो कहीं ये वो कद्दू लहसुन में दे दिया और बोला कि मैंने स्टोरी एडवेंचर टाइप का दो मुझे, वो स्टोरी जैसे देखो मैं 12th ना होने से भी क्या होगा, स्टोरी जैसे सबको पसंद आता है, मुझे भी पसंद आता है, तो मैं भी दे दिया स्टोरी एडवेंचर टाइप मुझे देना है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी थोड़ा सा आर्ट करते जाना है, जो भी आप कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे या फिर कुछ भी, और विजुअलाइज भी करना है साथ साथ में, और कुछ कहानी की तरफ लेके चलना है इसको, और थोड़ा थोड़ा ठीक है स्कूल प्रैंक के टाइप का मुझे एक्सप्लेन कराना है, और क्वेश्चन भी देना है। कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने पूछा है नया सा तो मुझे क्वेश्चन भी देना है, और एमसीक्यू प्रोड्यूस ऐसा करना है कि भाई पहला क्वेश्चन दे दो, फिर बाद में कोई हिंट दे दो अगर नहीं आया तो, और फिर आंसर दे दो अगर वो करेक्ट नहीं हुआ तो, और फाइनल एक्सप्रेशन और डाउट अगर जो भी होगा डाउट पूछने के लिए वो मुझे पूछेगा कि भाई उनको क्या डाउट है, और मैं बोलूँगा सॉरी फॉर दैट, तो मैं अगर बोलूँगा नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा और इस टाइप का चलता रहेगा। और मैंने लास्ट में बोल दिया डोंट यूज मच दिस वोकैबुलरी लाइक एनिग्मैटिक, मैं बोला कि ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स है एनिग्मैटिक एथेरियल ये बता दो गूगल में जाकर सर्च मार लो, इस टाइप का वर्ड यूज़ नहीं करना। तो मैं इसको फिर देख लेता हूँ, देखो यहाँ एक्चुअली जो मैंने लिखा है यहाँ पर कमेंट, ये एक्चुअली चैट जीपीटी का ये असल क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, बट आप अगर इसको भी चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है व्हाट वुड यू लाइक टू चैट जीपीटी नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्सेज, तो यहाँ पर थॉट स्टार्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, वेयर डू बेड व्हाट यू आर, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो बेटर रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर क्लाइमेट क्लास टू स्टूडेंट इसके हिसाब से आपको देगा, और एज भी लिख सकते हो, और मेरे पास है क्या वर्ड, हाँ वर्ड लिमिट है पता है 1500 क्यों लिखे, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा प्रॉम्प्ट्स भी आप अलग ए आई से चैट जीपीटी से ही क्यों नहीं ले सकते, और यहाँ पर पेस्ट कह सकते हैं क्लास टू स्टूडेंट एंड 18 ईयर ओल्ड एंड 18 सॉरी और नया चैनल खुलना पड़ेगा इसके लिए है ना। और सेम क्वेश्चन क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ जी कॉपी कर लेता हूँ फटाक से कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन को सी मार देता हूँ नया चैनल खोलता हूँ क्योंकि नया चैट चाहिए है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन एनेबल था नया चैट एनेबल फॉर नया चैट्स ठीक है, इसको अगर डिसेबल कर दोगे तो पुराने जितने भी चैट्स है उसमें भी जाकर आप चैट करने लगोगे तो उसमें भी वाला जो एडवाइस है वो चैट जीपीटी के ऊपर काम करने लगेगा। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पेस्ट और कर लेता हूँ एंटर, आप और अक्सर देखते हैं क्या कैसे करता है करता है। देख रो मैंने बताया था जेई के लिए राइट, तो फटाक से रोक दिया मुझे और बोला कि यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेई राइट बट वाई आर यू आस्किंग ऑफ यू फेस क्वेश्चन, और ये बंद कर दिया पूरा एंड कर दिया ठीक है समझ रहे बात को। ओके फॉर जेई मैंने टाइप कर लेता हूँ ठीक है, जैसे मैं जेई के लिए एक्चुअल प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ये, और डॉक्टर मैंने फोन से पूछा है क्वेश्चन हो गया खत्म, मैंने क्या बताया था क्वेश्चन दो फिर आंसर बदलूंगा तभी जाके होगा। अभी देखो मैं यहाँ पर लिख भी दिया कि वीडियो सॉरी इफ़ यू नीड हिंट देन आस्क इट, तो मैं अभी हिंट भी दूंगा तो हिंट मुझे दे देगा, किस टाइप के हिंट देंगे देखते हैं हिंट। ये नया वैसे पहला नहीं था पता नहीं पहला होता तो अच्छा होता है, तो ये देखो जो कितना फनी वे में बताया था स्टोरी से कनेक्ट करता हुआ हिंट देना है, फिर जो भी समझाना है वो भी कॉन्सेप्ट समझाना हो समझाना हम देखो उस टाइप का समझा दिया, अलर्ट इमेजिन द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज डांस पार्टनर्स दे मूव टुगेदर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर इन कोऑर्डिनेटेड वे, दिस एंड टू द इंटरेक्शन है, तो यहाँ पर जैसे कि फंडामेंटल वेव में इंटरेक्शन होता है राइट, फंडामेंटल वेव बोल रहा हूँ वेव कहाँ से पे भी पढ़ाया जा रहा है ना, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना हार्मोनिक डांस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंडामेंटल ओके, तो इस टाइप का समझ दिया एक्चुअली मैं ट्विस्ट द नाम स्टार्टर हूँ, तो पता नहीं कौन सा चैप्टर से दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आलवास लगा पर कोई दिक्कत नहीं, तो इस टाइप का ये वाला मैं कस्टमर चार्ज वाला ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा था,
चरिंग्स पे जाओगे तो आपको एक्सपेंड कर सकते हो कोड आउटपुट को, जो भी आप कोड लिखते हो इसको बटन ऑन कर देना आपको। अगर आप अगर कोडिंग हो और थोड़ा देखना चाहते हो कि भाई स्क्रिप्टिंग विक्टिंग होता है, स्क्रिप्टिंग एक कोडिंग नहीं बोलते हैं वैसे, इसे स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, ठीक है, जो स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग नहीं स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग जो होता है किस टाइप का होता है आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन करके। मानो मैंने बता दिया, ओके मैं वही चिपका देता हूँ, नहीं ये वाला तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल जे के लिए हो चुका है भाई, बिल्कुल जे के लिए, और किसी के लिए यूज नहीं होगा। ये पेज कुछ लोग बंद कर देगा या फिर एक्स्ट्रा ही पूछ सकते हो, यहाँ पर जो बताया कि कुछ पर और इसने साफ मना कर दिया, फिर भी पूछ सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू पी एस सी एंड प्लीज प्रोवाइड मी सम क्वेश्चन टू टेस्ट माई इंटेलिजेंस ऑन हाउ आई एम गुड एट यू पी एस सी। कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अभी के लिए मैं ये पूछ देता हूँ क्रिएट अ क्विज फॉर दी, और यहाँ पर देखते हैं लास्ट में आ जाएगा कोड, इसके आउटपुट का कोड। ऑलवेज एक्सपेंड कोड आउटपुट, बट क्या ही नहीं। अगले वीडियो में देखते हैं कुछ एरर भी आ गया होगा, यहाँ पर आर्काइव भी कर सकते हो, पता ही होगा आपको। कोई दिक्कत की बात नहीं, बाय बाय।